हेलो फ्रेंड्स, वैरासिया प्राइवेट आईटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष जैन। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि बच्चों को पेपर के लिए तैयारी करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों की परीक्षा की तैयारी की करवाई जाए। आप सभी से निवेदन है कि वैरासिया प्राइवेट आईटी चैनल को आगे सभी लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को लिए शेयर करें। अगर आप लोग हमारे साथ में बने हुए हैं तो आपको जो भी वीडियोस के देखने के बाद जो भी कोई डाउट्स निकलते हैं आप उनको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमसे उनका जो भी डाउट्स हैं उनका आपका जल्द से जल्द हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई दूसरी कोई समस्या है, जैसे कि कोई वीडियो में अपन कुछ डाउट लग रहा है या फिर समझ नहीं आ पा रहा है, तो उस चीज़ के लिए हमें एक व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7415970452। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, डाउट्स निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। क्या होता है मैंने लिख रखा है यहाँ पे ऑल ट्रेड का मतलब वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के लिए, ऑल ट्रेड के लिए, सभी के लिए सेम है। फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के अंदर, वो आपका फर्स्ट ईयर में सभी ट्रेड के लिए सेम रहेगा। सभी ट्रेड में हम जैसे कि बहुत सारी ट्रेड होती हैं आईटीआई के अंदर, आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे फिटर, कोपा, स्टेनो, बिल्डर, डीजल मैकेनिक आदि, कितनी भी जो भी ट्रेड हैं सभी के अंदर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन जिसमें है वो सभी के लिए सेम रहेगा। तो हम आज बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब इकाइयां या फिर बोल सकते हैं मात्रक। तो जो इकाइयां होती हैं वो पहली चीज, इकाइयां होती क्या है, मेन चीज क्या है, कोई भी वस्तु उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं इकाइयाँ। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर्स होते हैं, जो प्राकृत संख्या, जो मतलब कि नंबर है 5 है या 10 है या 6 है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जिसके आगे अगर हम संख्यात्मक मान यूज होता है उसके आगे जब तक हम कोई यूनिट इकाई नहीं लगाएंगे तो उस चीज़ की वस्तु की वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी वो क्या है। जैसे 5 के अंदर आगे हम लगाते हैं 5 kg। 5 kg का मतलब क्या हो गया, 5 किलोग्राम कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसकी क्वांटिटी को बताना, प्रदर्शित करना ही इकाई कहलाता। मतलब इकाई ये चीज़ क्या हो गई हमारी, kg जो लगा दिया हमने किलोग्राम, वो क्या हो गया इसका यूनिट हो गई, इकाई हो गई। तो हम कोई भी वस्तु जो, अब इसका क्या होगा, ये kg का मतलब इस वस्तु का द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम ये चीज को क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब इकाइयों की प्रणाली या फिर बोल सकते हैं पद्धति। इकाइयों की प्रणाली पद्धति, इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। इकाइयों की पद्धति 3 भागों में बांटी हुई है, MKS, CGS, FPS। सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एम का मतलब यहां पे होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। यहां पे बात करें हम सीजीएस पद्धति में, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। इसी तरह एफपीएस में एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पॉइंट,
के इसका मतलब होता है सेकेंड, फुल फॉर्म सेकेंड। इन चीज का फुल फॉर्म भी अगर आ जाता है क्वेश्चंस, अगर हम बात करें कि आईटी में किस तरीके से आते हैं, तो अगर हमसे पूछा जा सकता है एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, तो एमकेएस का फुल फॉर्म हम बता सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर सीजीएस का फुल फॉर्म तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का फुल फॉर्म फुट पॉन्ड सेकेंड। इसी तरीके से अगर हमें एक और चीज, इस पद्धति को क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति भी बोला जाता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब इसको एक और नाम दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे से कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति कौन सी पद्धति होती है, तो हम उसको बोल सकते हैं एसआई पद्धति या फिर एमकेएस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है। क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है एमकेएस पद्धति कौन सी पद्धति होती है, या ऑब्लिक आपको अगर उसमें ऑप्शंस में है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो हम चूज करेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये तीन पद्धति होती है जिसके अंदर वस्तु को की मात्रा को प्रदर्शित करने की लिए इकाइयों होती है, इकाइयों में मापा जाता है एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में। अब इकाइयों के लिए ये मीटर जो होता है किस चीज को मापने के काम आता है, दूरी को मापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। कि के का मतलब क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए क्या करेंगे हम किलोग्राम का यूज करेंगे। अगर हमें समय मापना है तो समय को सेकेंड में मापा जाता है। अगर सीजीएस पद्धति में नापना है तो हम सी का मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में नापेंगे, दूरी को, जो दूरी होती है उसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे। ग्राम मतलब वस्तु के द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा, सेकेंड मतलब समय को सेकेंड में मापा जाएगा। एफपीएस, एफ का मतलब फुट, फुट को किस में नापेंगे, दूरी जो होगी उसको फुट में मापा जाएगा, द्रव्यमान जो होगा पौंड में मापेंगे, समय जो होगा सेकेंड में मापेंगे। अब आपने सभी चीजों में तीनों में एक चीज कॉमन है, आपके पास जो समय है वो तीनों में सेम मापा जा रहा है, कि सेकेंड में माप रहा है तो सेकेंड में ही मापा जाएगा। बस क्या चेंज हो रहा है, द्रव्यमान और दूरी को अलग अलग तीनों पद्धति में अलग अलग मापा जाएगा। तो अगर मीटर किलोग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, फुट पौंड, मतलब दूरी और द्रव्यमान, दो चीज हमारी तीनों पद्धति में चेंज होती रहेगी। अब ये चीज अधिकतर यूज होती है ये पद्धति, इसको क्योंकि एसआई पद्धति बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यही चल रही है, सबसे ज्यादा यूज होती है ये, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब पूरी विश्व में आपका यूज होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति का। तो इसके अंदर कुछ मूल तत्व होते हैं, मूल राशियां, जिनके मात्रक जो है वो पहले से निश्चित है, तो हम उन मात्रकों की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एसआई पद्धति में सात मूल राशियां एवं उनके मात्रक, सात मूल राशियां एवं उनके मात्रक। तो सात मूल राशियां कौन कौन सी हैं, पहली द्रव्यमान, दूसरी दूरी, समय ऊष्मा की तीव्रता, विद्युत धारा।
इन्हीं सात जो राशियां हैं इनको मूल राशियां बोला जाता है। अब मूल राशियों के उनके मात्रक मतलब मूल मात्रक, मूल मात्रक की हम बात करें तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय, समय का मात्रक है सेकेंड। ऊष्मा की तीव्रता या फिर हम इसको ज्योति की तीव्रता भी बोल सकते हैं, ऊष्मा की तीव्रता इसको क्या बोलते हैं? इसका मात्रक जो होता है वो होता है आपका कैंडेला। पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको नापा जाता है मोल में। ताप, ताप को मापा जाता है केल्विन में। विद्युत धारा इसको मापा जाता है एम्पियर में। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम। किलोग्राम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं केजी। दूरी को मापा जाता है मीटर, मीटर मतलब एम। समय सेकेंड मतलब एस। कैंडेला शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है तो सीडी। इसको एम ओ एल मोल, केल्विन के, एम्पियर ए। थोड़ी सी और बात करें तो ये होता है किलोग्राम मतलब केजी। किलोग्राम द्रव्यमान है तो ठोस वस्तुओं का भी द्रव्यमान हो सकता है, लिक्विड वस्तुएं हैं उनका भी द्रव्यमान हो सकता है। तो अगर जिस ठोस में जब मापेंगे हम, जैसे कोई भी है शक्कर है या कोई पाउडर है, तो उस चीज को अगर मापना है तो हम किसमें? किलोग्राम में मापते हैं। अगर लिक्विड चीज है तो उसको हम किसमें मापेंगे? किलो लीटर में मापेंगे। इसी तरह जैसे कि मीटर है तो दूरी की अगर ये मीटर है तो मीटर को ऑब्लिक में हम समझ सकते हैं, मीटर इसकी छोटी यूनिट होगी। अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें है तो ये इकाई मतलब मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। अगर उसकी बड़ी यूनिट अगर हम समझना चाहें तो जैसे कि उसका बड़ा यूनिट किलोमीटर हो जाए, किलोमीटर। जैसे कि हमारी दूरी हम बात करें बेलसिया से भोपाल की दूरी 40 किलोमीटर है तो वो किस में नाप रहे हैं? किलोमीटर में माप रहे हैं। अगर उसको किलोमीटर में मीटर में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 40 में तो उसको मीटर में बदल सकते हैं। मतलब इसका मूल मात्रक तो मीटर है मगर अगर हमें उसको बड़े में उसमें मापना है तो किलोमीटर में भी हम माप सकते हैं। समय सेकेंड, इसका मूल मात्रक सेकेंड हो गया मगर हम इसको एक और चीज मिनट में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मिनट भी यूनिट कहलाएगी और इसको घंटा मतलब हावर, हावर में भी हम माप सकते हैं। ऊष्मा की जो तीव्रता है कैंडेला, ये कॉमन है मतलब कैंडेला ही रहेगा। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाएगी। ताप को हम केल्विन में मापेंगे। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाएगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अभी तक हमने मूल मात्रक पढ़ लिए। मूल मात्रकों की सहायता से हम निकाल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मतलब डेराइव यूनिट, यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं ये कोई निश्चित नहीं। सभी जो मूल मात्रकों की सहायता से जो निकाले जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि क्या होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका होता है किसी वस्तु का, सभी वस्तुओं का क्षेत्रफल हो सकता है। क्षेत्रफल हम अगर बात करें तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज की लंबाई क्या होगी? दूरी होगी।
मतलब मीटर में मापेंगे हम पी टू चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या होगी किसी भी चीज की दूरी है उसकी, तो वो भी किस में मापेंगे हम चौड़ाई भी मीटर में मापेंगे। तो यहाँ पर क्या है मीटर की पावर क्या है मीटर की घात वन है और यहाँ पर भी मीटर की घात वन है। तो हम ये सभी लोग जानते हैं कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई गुणा मतलब जो आधार क्या है मीटर यहाँ पे भी मीटर तो इसकी घात क्या है वन और इसकी घात भी वन तो दोनों क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर मीटर की घात दो मतलब मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की अगर बात करें मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं मूल मात्रकों की सहायता से। दूसरा बात करें हम आयतन 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 का फार्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लंबाई जो होती है वो में मापी जाती है मीटर में एम लिख लिया हमने चौड़ाई कार में मापी जाती है मीटर में एम लिख लिया हमने ऊंचाई कार में मापी जाती है मीटर में। तो इसकी पावर एम की पावर क्या है वन एम की पावर क्या है वन एम की पावर क्या है वन जब कोई पावर नहीं होती वन तो रहती तो यहाँ पे वन की एम की पावर वन यहाँ पे पावर वन यहाँ पे पावर वन यहाँ पे वन इंटू हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा एम की पावर तीन हो जाएगी वन एक दो तीन मतलब हमने आयतन का भी मात्रक निकाल लिया। इसी तरह हम दूसरे सभी चीजों के मात्रक निकाल सकते हैं और इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। मूल मात्रकों का यूज जरूर होगा व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए। तो हम दूसरी चीज की बात करें तो कुछ चीजें व्युत्पन्न मात्रक में हमारे पास निश्चित हैं वो हम लिख के देख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कार है। कार का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊष्मा ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है जूल होता है। ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है जूल होता है। इनके मात्रक को भी हम निकाल सकते हैं किसकी सहायता से निकलेंगे ये मूल मात्रकों की सहायता से निकलेंगे। ये भी क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा हो कि हम कार का मात्रक जूल अलग नहीं है इसको बोला जाता है जैसे कि हम बात करें बल बल की तो बल को न्यूटन मात्रक होता है। न्यूटन मात्रक क्या होता है न्यूटन इसको न्यूटन भी बोला जाता है न्यूटन में भी मापा जाता है बल को। तो बल का फार्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। पहले हम बात कर ले इससे पहले कि त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन मतलब पहले हमें इससे पहले एक चीज को पढ़नी चाहिए चाल चाल बराबर होता है वेग दूरी बटे समय। मतलब इसका मात्रक चाल का मात्रक क्या होगा दूरी को किसमें मापते हैं हम मीटर में समय को सेकेंड में मतलब मीटर पर सेकेंड इसका होगा चाल का मात्रक। इसी तरह हम वेग की बात करेंगे अभी इसमें वेग आया हमारा तो हम वेग की बात करते हैं वेग का मात्रक क्या होगा वेग का भी दूरी बटे समय मतलब मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड निकल रहा है। अभी हम त्वरण की बात करें तो त्वरण का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है त्वरण का फार्मूला होता है वेग वेग परिवर्तन बटे समय मतलब वेग बटे समय। तो वेग का हमने निकाल चुके हैं कि क्या निकला
मीटर पर सेकेंड, तो वेग का मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड। फिर समय को किसमें मापते हैं हम, सेकेंड में, तो त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर, ये सेकेंड इधर ही जाएगा बटे में, तो सेकेंड का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम सभी के निकाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे बल की, बल बल का फॉर्मूला है द्रव्यमान इनटू त्वरण, द्रव्यमान का हम आप क्या किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, मतलब मीटर मतलब एम, त्वरण त्वरण का भी आपने निकाला, त्वरण का निकल के आया हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी द्रव्यमान को हम नापते थे इसमें अपन ने द्रव्यमान को केजी में, तो ये हमारे पास किसका निकल के आ गया बल का, बल इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका निकल गया ये बल का, तो ये क्या है किलोग्राम क्या है मूल मात्रा के, मीटर क्या है मूल मात्रा के, सेकेंड क्या है मूल मात्रा के, तो जो भी बन रहा है किससे बन रहा है मूल मात्रकों की सहायता से हम क्या निकाल रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक निकाल रहे हैं, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये हमारा बल का हो चुका है। अब हम अगर दाब इसी की तरह दाब की बात करें, दाब 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 का निकाल सकते हैं, तो दाब का निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए, बल इंटू क्षेत्रफल, बल इंटू क्षेत्रफल, बल का अभी हमने थोड़ी सी देर पहले निकाला है, क्या निकाला ना ये सॉरी बल इंटू नहीं बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ पे इसका निकालेंगे बल का हम लिख लें कि के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में क्षेत्रफल का होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर जो हम पहले निकाल चुके हैं थोड़ी सी देर पहले, तो दाब का फार्मूला फार्मूले से निकाला, अगर फार्मूला सभी के याद है तो आप किसी भी चीज का मात्रक निकाल सकते हैं, बल इंटू बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का हमारे पास था अभी निकाला था हमने वो लिख लिया, मतलब किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल को मापते हैं हम मीटर में नहीं, इसका फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एम इंटू एम एम स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इसका होगा पहले निकाल चुके हैं हम, इसको अगर सही तरीके से सिंप्लीफिकेशन करें हम तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर की घात क्या है एक है और यहाँ पे मीटर की घात दो है, तो मीटर की घात एक से एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास निकल के किलोग्राम अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये किसका निकल गया दाब का, तो ये क्या है व्युत्पन्न मात्रक, किसकी सहायता से निकला किलोग्राम क्या है आपका मूल मात्रक, सेकेंड क्या है मूल मात्रक, मीटर क्या है मूल मात्रक, तो सभी व्युत्पन्न मात्रक किसकी सहायता से निकाले जाएंगे मूल मात्रकों की सहायता से। एक और बात करें हम बल आघूर्ण, बलाघन को निकालने के लिए हमारे पास बलाघन को डिनोट करते हैं हम टी से, इसका फार्मूला होता है हमारे पास हम बात करें बलाघन की, बलाघन का फार्मूला जो होता है बल इंटू दूरी, तो बल का हम निकाल चुके हैं मात्रक क्या होता है बल का मात्रक के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू दूरी, दूरी को पहले नापते हैं मीटर में, तो हमारे पास क्या जाएगा निकल के बलाघन का किलोग्राम मीटर का मीटर में इंटू हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल गया हमारे पास बलाघन का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो
ये हमारे पास इस तरह से हम व्युत्पन्न मात्रकों को निकाल सकते हैं। किसी भी राशि का व्युत्पन्न मात्रक आसानी से निकाला जा सकता है, किसकी सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से। अब हम बात करेंगे तापमान। हम बात कर रहे हैं यहां पर अब तापमान के पैमाने, तापमान के क्या, यहाँ पे तापमान को चार तरह से, चार पैमानों में मापा जाता है। चार पैमाने कौन कौन से होते हैं? चार तापमान को, चार पैमानों में मापा जाता है। चार पैमाने यहाँ पे क्या होता है? पहला तापमान का पैमाना होना सेंटीग्रेड या फिर बोल सकते हैं सेल्सियस, जिसका सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी। दूसरा होता हमारे पास फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन, चौथा होता है ज्यूमर। तो फ़ारेनहाइट का सिंबल जो होता है डिग्री एफ, डिग्री के, डिग्री आर। अभी हमने पढ़े कि तापमान के कितने पैमाने होते हैं, चार पैमाने होते हैं, सेंटीग्रेड या फिर बोल सकते हैं सेल्सियस, जिसको सिंबल होता है डिग्री सी, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को मापा जाता है इसमें डिग्री एफ बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, केल्विन डिग्री के, ह्यूमर अभी तक सुना नहीं होगा आपने, पहला साल पहले कभी सुना नहीं हो, मगर क्या बोलते हैं हम ह्यूमर, ह्यूमर मतलब डिग्री आर। तो ये चार पैमाने होते हैं जिसमें तापमान को मापा जाता है। अब चार पैमाने की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि चार पैमानों के बीच में संबंध होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू है उसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, या फिर डिग्री केल्विन में चेंज कर सकते हैं, या फिर ह्यूमर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ह्यूमर में है तो अपोजिट किसी और में चेंज कर सकते हैं, एक एक वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। एक किसी भी पैमाने में अगर हम मापते हैं उसको दूसरे पैमाने में हम डिग्री को चेंज वैल्यू को कर सकते हैं। उसके लिए हम कब देखेंगे कि हमारे पास क्या फार्मूला है, चारों पैमानों के बीच संबंध, चारों पैमानों के बीच संबंध, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 एफ माइनस 32 जो फार्मूला होता है वो होता है आपका चारों पैमानों के बीच का फार्मूला।
हमारे पास ये चारों परिमाणों के बीच का संबंध है, इसे इसके द्वारा हम किसी भी वैल्यू को परिवर्तित कर सकते हैं। और अधिकतर ये क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज ये आप अच्छे से याद कर लें, इसको सी अपॉन 100, एफ माइनस का 32 अपॉन 180, के माइनस का 273 अपॉन 100 इजिकल टू आर अपॉन 80। इसको अच्छे से याद कर लें, या फिर इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। किसको? इस फार्मूले को। इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, सभी के अपॉन के दिख रहा है हमें, इसमें 100 है, इसमें 180 है, इसमें क्या 100 है, इसमें 80 है, मतलब हम सभी को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। 20 से अगर 20 से डिवाइड कर देंगे हम, तो सी अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 इजिकल टू एफ माइनस का 32, ये 20 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इजिकल टू के माइनस का 273 अपॉन 100 को डिवाइड कर दिया कितना 5 इजिकल टू आर अपॉन 4। ये फार्मूला अगर आपने पहले देखा हो या सुना हो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके, अगर या तो फिर इस फार्मूले को याद कर लें अपन, या फिर किसी को याद रखें, अगर ये याद है हमें तो कोई भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। इसके बाद आपका हमारे पास पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएगा वो देख लीजिए आप, कि हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 46 डिग्री सेल्सियस को 10 में बदलिए, क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है 46 डिग्री सेल्सियस, क्या लगा मतलब सी, और केल्विन का मतलब के। यहाँ पे पहले फाइंड आउट करके देख लीजिए क्या क्या वैल्यू आपके पास क्वेश्चंस में है, क्या है सी और के। हमारा फार्मूला जो था वो क्या था, सी अपॉन का 100 इजिकल टू एफ माइनस का 32 अपॉन का 180 इजिकल टू के माइनस का 273 अपॉन का 100 इजिकल टू आर अपॉन का 80। हम यहां से देखें तो सभी के बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, सी कहां पे है, सी इसमें है, सी के कहां पे है इसमें है, तो इन दोनों वैल्यू को हम एक दूसरे के बराबर में रख लेंगे ले लेंगे। तो सी अपॉन का 100 इजिकल टू के माइनस का 273 बटे 100 ये ले लिया। इसके बाद सवाल में फिर गया कितना है सी, सी की वैल्यू हमारे पास के, सी के सारे साथ में जो वैल्यू है उसको हम रख देंगे सी की जगह पर के, के में बदलना मतलब के की वैल्यू में निकालना। तो सी की जगह पर हमने रख दिया 46 अपॉन का 100 इजिकल टू के माइनस का 273 बटे 100। सभी लोग देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखें तो ये 100 बराबर में क्या है 100, 100 से हमने 100 कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे देखा कि 46 बचा इजिकल टू के माइनस का 273। अब आप अच्छे से देखना यहाँ पे दो पक्ष हैं हमारे पास, 273 यहाँ पे क्या है माइनस में है, हम अगर इसको उठाकर इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। जब हमारे साइड चेंज करते हैं इस पक्ष से हम इस साइड जाएंगे तो ये क्या करेंगे 273 माइनस का है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास के बराबर में यहाँ पे क्या बचा, के क्या बचा, हमने इस साइड लिख लिया, इसको उठाकर हम इस साइड लेके गए मतलब 46 पहले से था और ये प्लस होकर आ गया अंदर पर 273 को उठा के हमने इससे ही कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया 46 प्लस का 273। अब हम इसको प्लस कर देंगे 6 और 3 9, 7 4 11 का 1
मतलब अगर हमारे पास 319 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास केल्विन की वैल्यू आ गई, हमें किसको बदलना था 46 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना था, केल्विन में बदलना था, तो हमने केल्विन में बदल दिया, कितना केल्विन में 319 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 319 डिग्री केल्विन हो गया। ओके जी, थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। सभी से बोला जाता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को सभी को आप शेयर करिए वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जब मिल सके। थैंक यू।